जादुई नदी। भोला अपना झोला लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उसके कदम वहां रुक गए और ललचाए हुए मन से और बच्चे को फुटबॉल खेलते हुए देखने लगा। तभी भोला बोला, सुनो भाई, क्या मैं तुम लोगों के साथ फुटबॉल खेल सकता हूँ? तभी उनमें से एक फुटबॉल टीम का खिलाड़ी संजय बोलता है, हा हा हा, अरे तुम क्या फुटबॉल खेलोगे? तुम और फुटबॉल कभी शक्ल देखी आईने में? अरे भाई, शक्ल से फुटबॉल का क्या लेना देना, मुझे तो अपने पैरों से ही खेलना है ना। अरे ओ चपर गंजू, तेरे पैरों में भी तो जान होनी चाहिए ना। तुम्हारे जैसे शरीर देखकर तो लगता है अगर तुम फुटबॉल खेलने आओगे तो तुम खुद ही फुटबॉल बन जाओगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भोला है। अरे भोला, जा अपनी मम्मी को बोल कि तुझे गाय का खूब सारा दूध पिलाए, तभी तंदुरुस्त बनेगा, और फिर तंदुरुस्त बनाकर तुझे यहाँ भेजे, फिर मजा भी आएगा। मेरे मम्मी पापा नहीं है और मुझे दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता। तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत ही कमजोर हूँ। अरे सॉरी भोला भाई। अरे कोई नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत तो मुझे अपनी तकदीर से है। तभी दूसरा खिलाड़ी बोलता है, अरे यार तुम लोग कैसे मथ्यापाची मार रहे हो। चलो भोला, तुम जाओ यहाँ से, अभी भी तुम्हारा झोला सब्जी वाला खाली है। यह फुटबॉल का खेल है, कोई गिल्ली डंडा का खेल नहीं। भोला बेचारा अपना मुंह लटकाकर वहां से बाजार की ओर सब्जी लेने के लिए चला गया। आज उसे बाजार से सामान लाने में बहुत देर हो गई थी। उसकी चाची ने उसे देखा तो आग बबूला हो गई। क्यों रे भोलवा, आज सामान लाने विदेश गया था क्या? इतनी देर लगा कर आया है? वो चाची, मैं थोड़ी देर के लिए फुटबॉल के ग्राउंड पर रुक गया था। फुटबॉल और उसका ग्राउंड तुम भूल जाओ, वरना ऐसा एक मारूंगी कि वहीं पहुंच जाओगे और गोल गोल घूमते रह जाओगे और वापस कभी भी इस घर में नहीं आओगे। अरे नहीं चाची, अब तो हम फुटबॉल का कभी नाम भी नहीं लेंगे। फुटबॉल से पेट थोड़ी ना भरता है, रोटी तो चाची आप ही खिलाओगे। हाँ, अब आए ना सही रास्ते पर, चला जा खाना खा ले। भोला की चाची पहले उसकी पड़ोसन थी। जब भोला अनाथ हो गया तो उसे भतीजा बनाकर अपने साथ ही रख लिया। भोला चाची के घर के सारे काम काज करता था और उसके बदले में भोला को दो वक्त की रोटी मिल जाती थी। एक दिन भोला अकेले चुपचाप बैठा था, तभी उसकी चाची कहती है, अरे भोला, काहे को इतना मुंह लटका कर बैठा है, क्या हुआ? चाची आप चिंता मत करो, चाची हम बहुत कमजोर है ना, हमें गाय भैंस के दूध की जरूरत है। अरे बेटा, हमारे पास ना गाय है ना भैंस है, ना दूध है ना रुपया है, हमें दाल रोटी मिल रही है उतना ही बहुत है। चाची आप चिंता मत करो, मैं खेतों में खूब मेहनत करूँगा, उसके बाद रुपया और पैसा और दूध सब कुछ आएगा। सारा खेल पैसों का है, हर जगह पैसा लगता है, पर हम तो पैसों से ही लाचार है। सब्र करो चाची, ऊपर वालों को कभी ना कभी हम पर भी रहम आएगा। आज भोला गांव के पास वाली नदी के पास बैठकर ऊपर वाले को याद कर रहा था। हे ऊपर वाले, कुछ खेल दिखा दे, अपनी भी गाड़ी का सही मार्ग दे, क्या हम हमेशा ही मजाक के पात्र ही बने रहेंगे? हे भगवान, कुछ तो रहम कर। इतने में ही सामने बह रही नदी में से आवाज आई और भोला चौंक गया। अगर इरादे नेक है तो राह अनेक है। मैं नेक इंसान की मददगार हूँ और बुरे लोगों के लिए तलवार हूँ। हे प्रभु, यह नदी के जल से कैसी आवाज आ रही है? ध्यान से सुनो, मैं नदी बोल रही हूँ और तुम्हारे ईमान को बोल रही हूँ। भोला ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे नदी मैया, पार कर दो मेरी भी नैया, आपके चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। ये लो मेरा जल, इसे पी लो और अपने घर पर ले जाकर घर के चारों ओर छिड़क देना, उसके बाद देखो चमत्कार, बदल जाएगा तुम्हारा अवतार। नदी के इतना बोलती ही एक बर्तन में नदी का पानी तैरते हुए सामने आ गया। भोला ने उस बर्तन को उठाकर पानी को मस्तक से लगाकर हाथ में लेकर चुल्लू भर पी लिया। फिर तुरंत उसने अपने शरीर में एक अद्भुत विशिष्ट शक्ति का अनुभव किया। नदी मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला सर झुकाकर नदी का धन्यवाद करता हुआ वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने नदी के पानी को पूरे घर में छिड़क दिया और देखते ही देखते अचानक चमत्कार हो गया। पूरे घर में नए नए फर्नीचर, नया सामान और एक छोटी सी झोपड़ी बड़े से घर में बदल गई और उसमें हर सुख सुविधा का सारा सामान उपलब्ध हो गया। कई तरह के सुंदर वस्त्र, तरह तरह के सुंदर आभूषण
और रुपया पैसा धन दौलत सब आ गए। अरे भलवा, ये कौन सा जादू का पानी छिड़का है रे तूने घर में? पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अरे बाप रे, इतना सारा सामान, नए नए गहने, इतना रुपया, मैं तो पागल हो जाऊंगी। चाची मुझको संभालो, मैं तो पहले से ही पागल हो गया हूँ। अब तो हम गाय भी लाएंगे और दूध भी पिएंगे। ऊपर वाले ने सुन ली पुकार, जादुई नदी ने किया चमत्कार। देख लो चाची, जादुई नदी की पानी छिड़कने से यहाँ सब कुछ बदल गया है। अब तो भोला के घर की काया पलट हो गई। एक प्यारी सी गाय भी ले आए, बाहर उसका छोटा सा घर भी बना दिया। आज भोला फुटबॉल के ग्राउंड में पहुँच गया। वो ग्राउंड के बाहर ही खड़ा था और बॉल लुढ़कते हुए बाहर की ओर आ गई। भोला ने बॉल को एक जोरदार किक मार दी और ये क्या, वो बॉल तो आसमान की ओर चली गई। ग्राउंड में खड़े सब लड़के आश्चर्य से ऊपर की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद बॉल नीचे आ गई। अरे भोला, कमाल कमाल कर दिया तुमने, तो क्या किक मारी है। हम तो सोचे कि बॉल आकाश में ही खो गई। मेरे दोस्त, अब हम सब तुम्हारे इस किक का कमाल हर रोज देखना चाहते हैं। आ जाओ हमारे टीम में। धन्यवाद दोस्तों। भोला फुटबॉल टीम का मेंबर बनने के बाद कुछ ही दिनों में एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बन गया। उसको सब अब बेहतरीन खिलाड़ी मानने लगे। एक दिन भोला की चाची की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने उसकी चाची की पूरी जांच की और फिर बाहर आकर भोला को बताई, देखिए इनकी किडनी में प्रॉब्लम है, अब इनकी किडनी बदलनी पड़ेगी, इनके लिए एक किडनी डोनर की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहिबा, अब मुझे चेक कर लीजिए, मैं अपनी चाची के लिए अपनी किडनी दूंगा। भोला, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, हमारे पूरे देश को तुम पर बहुत गर्व है। किडनी देने पर तुम्हारा पूरा करियर समाप्त हो जाएगा, एक बार सोच लो। डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए मेरी चाची की जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरा कैरियर नहीं। अब मेरी किडनी चाची को लगा दीजिए। डॉक्टर साहिबा, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? देखिए, रिस्क तो हर जगह होता है, पर मुझे कुछ जरूरी जांच करनी होगी, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। भोला चाची को लेकर घर पहुंचा। वो फिर अपने उस जादुई नदी के पास आया। क्या बात है भोला, आज बहुत उदास नजर आ रहे हो। मेरी चाची की तबीयत बहुत ही खराब है, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, पर डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन में बहुत ही रिस्क रहता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पर चाची को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भोला, ये लो मेरा जल, ले जाओ और जाकर चाची को पिला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोला ने जादुई नदी का जल लेकर सर झुकाया और कुछ ही समय में वो अपनी चाची के पास पहुँच गया। चाची ने जैसे ही वो जल पिया, चाची का सारा दर्द भाग गया और वह तंदुरुस्त होकर अपने बेड पर खड़ी हो उठी। अब भोला ने अपनी चाची का चेकअप फिर से अस्पताल ले जाकर करवाया। डॉक्टर के पूरा चेकअप करने के बाद भोला, आज तक पूरी मेडिकल साइंस में इतना बड़ा और ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि तुमने बिना किडनी बदले ही अपनी चाची को एकदम तंदुरुस्त कर दिया। आपकी चाची की किडनी एकदम सही हो गई है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। अब भोला और उसके चाची बहुत खुश हो गए। दोनों का जीवन जैसे मानो खुशियों से भर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।